बेटा कौशल पहुंचा दिल्ली, रूस और यूक्रेन के युद्ध में फंसे थे गौतम, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। बिलासपुर में नारकोटिक्स और पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई, 50,000 की एमडीएमए की बरामद, आरोपियों पर किया मामला दर्ज। इंदौर में 80 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार, फर्जी एप्लीकेशन बनाकर करता था धोखाधड़ी, शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। सरगुजा में सड़कों पर घूम रहे पशुओं के पशु मालिकों पर होगी एफआईआर दर्ज, पशुओं की वजह से होती है दुर्घटनाएं, जिला स्तरीय समिति की बैठक में लिया गया फैसला। और सतना में अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ, 6 मार्च तक खेला जाएगा डे नाइट एंड नॉकआउट मैच, मरणोपरांत खिलाड़ियों का किया जाएगा सम्मान। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंदौर जिले के विजयनगर थाना पुलिस ने प्ले स्टोर पर फर्जी एप्लीकेशन बनाकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने असम के कोयला व्यापारी अमित कुमार से लगभग 80 लाख की धोखाधड़ी की थी, जिसकी शिकायत पीड़िता ने विजयनगर थाना में की थी। वहीं पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने एक और साथी का नाम बताया है, जिसकी पुलिस अब तलाश कर रही है। फर्जी जो एडवाइजरी कंपनियां चल रही हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। उसी तारतम्य में एक फरियादी जो बाहर के रहने वाले हैं, उनकी शिकायत थी कि 80 लाख रुपए एक व्यक्ति उनसे ले चुका है और वो पैसे वापस नहीं कर रहा है और उनको शक है कि कहीं न कहीं ये पैसा उनका डूब गया है। उक्त शिकायत के तारतम्य में थाने पर जांच की गई तो जिसमें पता चला कि एक ऐप के माध्यम से कंपनी लोग चला रहे थे, जिसमें इन्होंने इनसे पैसा लिया था और उनको फिर ढूंढते ढूंढते पुलिस पहुंची तो एक व्यक्ति मिला, इसमें एफआईआर दर्ज की गई और उसे पकड़ा गया है। और जो पूछताछ में चीज आई तथ्य कि ये लोग एक ऐप बनाए हुए थे, ऐप के माध्यम से ये इन्वेस्ट। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए इंदौर से जहीन खान ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहीन, एक प्ले स्टोर पर एक फर्जी एप्लीकेशन बनाकर लाख रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पूरा मामला क्या था ये? इंदौर के जो विजयनगर थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर विजयनगर पुलिस ने जो है असम में रहने वाले कोयला व्यापारी की शिकायत पर जो है डी मार्ट एडवाइजरी कंपनी में निवेश के नाम पर 80 लाख रुपए ठगी करने वाले जो है युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम इंद्र सिंह रजक निवासी शिवपुरी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इंदौर में जो है जिस तरह की बात की जाए, आर्थिक राजधानी है, यहाँ पर धोखाधड़ी के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर फर्जी एडवाइजरी कंपनियां काफी संचालित है, जिसमें जो है लोगों को झांसा दिया जाता है और रुपया डबल करने के नाम पर जो है उनको बहलाया फुसलाया जाता है, जिसमें झांसे में आता जो है इस तरीके की घटना के जो है संलिप्त हो जाते हैं। इसी तरीके का एक मामला जो है इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में आया। अब तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ खुलासे हुए हैं? क्या इससे पहले भी इसने इस तरह की धोखाधड़ी की थी किसी व्यक्ति के साथ? ये आरोपी मुख्य संचालक जो है रजत निवासी शिवपुरी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि प्ले स्टोर पर उसने डी मार्ट के नाम से एक एप्लीकेशन बनाई थी और उसी में एक डीमैट अकाउंट भी बनाया था, जिसमें लोगों को पहले तो प्रॉफिट दिखाता था, जैसे ही लोग लालच के झांसे में आ जाते थे लाखों रुपए उसमें निवेश करवा लेता था। इसी प्रकार के निवेश के नाम पर धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम देता था, अलग अलग खातों में जो है इसने पैसा ट्रांसफर कराया है, ऐसे अकाउंट नंबर और फर्जी सिम दो गुना भाव में मार्केट से अवेलेबल भी करवा लेता था। इस तरीके से देखा जाए तो शातिर अपराधी है। वहीं पुलिस जो है आरोपी से पूछताछ कर रही है और अन्य आरोपियों के भी नाम के खुलासे होने की संभावना है। क्या इनका कोई गिरोह हो सकता है? और अब गिरफ्तारी हो चुकी है तो क्या कुछ मामला दर्ज किया जा रहा है उनके खिलाफ? इसमें जो है युवक के खिलाफ जो है इंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से ये इस तरह का शातिर अपराधी है, पुलिस इसमें जो है इसको रिमांड पर लेकर कहीं खुलासा कर सकती है। फिलहाल इसमें इसने एक अपने आरोपी का साथ में जो इसको सिम अवेलेबल कराता था उसका नाम बताया है, पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर जो है जल्दी बड़े खुलासा कर सकती है। बहुत शुक्रिया जहीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बिलासपुर में नारकोटिक्स सेल और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है, जिसमें उन्होंने मेथिलीन डाई ऑक्सी मेथिल फेटामाइट बरामद किया है और आरोपियों से 10 ग्राम एमडीएमए मोबाइल के साथ इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन भी जब्त की है। एमडीएमए की कीमत 50,000 रुपए आंकी जा रही है। वहीं आरोपियों पर एनडीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार पतासाजी कर रहे हैं। पिछली बार जैसे सूचना मिली थी वह भी यूपी से ही आया था, ये लगातार यूपी कनेक्शन आ रहा है और इसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं। और एक जो ब्राउन शुगर की कार्रवाई हुई थी उसमें दिल्ली का कनेक्शन आया था, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चय ही उसमें भी हम लोग आगे। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले सरगुजा जिले के मैनपाट महोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित अन्य राज्यों से लोग इस महोत्सव में हिस्सा लेने आएंगे। आपको बता दें कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल ये आयोजन किया जाता है। कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि महोत्सव स्थल का जायजा लिया उन्होंने और आयोजन को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। विगत वर्षों के भांति इस बार भी मैनपाट महोत्सव हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें जो संभावित तिथि अभी है 11, 12, 13 मार्च के लिए है और उसमें छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति, यहाँ के पर्यटन, राम वनगमन से जुड़े हुए स्थल, जो हमारे महिला स्व सहायता समूह और बाकी हमारे जो उत्पाद हैं उनके प्रदर्शनी, इसके बाद जो हमारे जनजातीय समूह हैं उनके कलाओं के प्रदर्शनी, जिसमें सैला सुआ कर्मा नृत्य दल के प्रदर्शनी रहेगी, इसके बाद जो हमारे माझी मझवार नगेसिया पहाड़ी कोरबा है उनका सम्मेलन होगा, सांस्कृतिक सम्मेलन होगा। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। सरगुजा जिले के अंबिकापुर नगर निगम और जिला प्रशासन ने जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें अब सड़कों पर घूमने वाले पशुओं के मालिकों पर FIR दर्ज करने का फैसला लिया गया है। यह फैसला सड़क पर घूम रहे पशुओं की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर लिया गया है। वहीं इसको लेकर पूर्व में भी प्रशासनिक अधिकारियों सहित नगर निगम की बैठक रखी गई थी। अभी हम लोगों ने SPCA की मीटिंग की थी। SPCA के गठन के बाद पहली मीटिंग थी। SPCA जो कि पशुओं के विरुद्ध जो क्रूरता है उसके निवारण हेतु अधिनियम बनाया गया है, उसकी जो जिला स्तरीय समिति है उसकी बैठक थी और उस समिति में निर्णय लिया गया है कि जो पशु सड़क पे हैं इसके कारण पशुओं को भी उनका नुकसान होता है और साथ में एक्सीडेंट की घटनाएं भी होती हैं। तो पूर्व में भी जो हमारे यहाँ पशुपालक हैं उनके बैठक लेकर के SDM और कमिश्नर नगर निगम एडिशनल SP के द्वारा उनको समझाइश दी गई है कि वो अपने पशुओं को दूध दुहने के बाद या उपयोग करने के बाद छुट्टे में खुले में न रखें और यदि ऐसा करेंगे तो उनको आगे जो आर्थिक दंड लगना है वो लगेगा, साथ में साथ उसमें FIR भी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग साईखेड़ा पहुंचे, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। वहीं सारंग ने क्षेत्रीय महिलाओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना और निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। दरअसल महिलाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर भूख हड़ताल करने की बात कही थी। इस दौरान खबर भारत के संवाददाता विनोद चौकसे ने विश्वास सारंग से कई मुद्दों पर बात की, जिसमें विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार आप सभी की मांगों पर पूरी तरह से ध्यान दे रही है। और कहाँ जा रहे हैं वाले के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये हम सबका सौभाग्य है कि दादा धुनी वाले का पूरे प्रदेश में और खासकर साईखेड़ा के लोगों को विशेष आशीर्वाद मिला है। मैं तो आज व्यक्तिगत दौरे से हीरापुर जा रहा हूँ गुरु जी से मिलने के लिए। उस बीच में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने साईखेड़ा में उनसे मुलाकात की है और यहाँ पर कुछ समस्याओं के बारे में भी मुझे बताया है। मैंने प्रशासन से बात की है और जो जो भी समस्याएं हैं उसका निदान किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में लगातार सड़क दुर्घटना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जहां देर शाम ट्रामा सेंटर के सामने बोलेरो और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हालांकि कार सवार को किसी भी तरह की गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन बोलेरो में सवार कुछ लोगों को मामूली चोट आने के कारण उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार दोनों वाहन सवार कोरबा के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं।
सतना के वॉलीबॉल संघ स्टेडियम में 3 दिवसीय अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें 6 मार्च तक लीग के डे और नाइट नॉकआउट मैच खेले जाएंगे। वहीं इस अवसर पर मरणोपरांत 2 पूर्व खिलाड़ियों का सम्मान भी किया जाएगा। वॉलीबॉल एसोसिएशन अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त 39वीं लाल धीरेन्द्र प्रताप सिंह स्मृति अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इस प्रतियोगिता में देश के अलग अलग राज्यों की 9 टीमें भाग लेंगी, जिसमें प्रथम विजेता को 51,000 और स्मृति चिन्ह, वहीं द्वितीय विजेता को 41,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय टूर्नामेंट का 39वां आयोजन, इसकी स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी, कुछ वर्षों के अंतराल में जिसमें नहीं हो पाया, ये 39वां आयोजन है। और इस वर्ष इस आयोजन में भाग लेने के लिए 9 टीमें आ रही हैं, जिसमें इंडियन रेलवेज, हरियाणा पुलिस, LPN दिल्ली, ITBP, स्पोर्ट्स हॉस्टल देहरादून, साई हॉस्टल रायबरेली, NER गोरखपुर, इनकम टैक्स अहमदाबाद और स्थानीय वीरेंद्र क्लब सतना। हम सबको उम्मीद है कि 10 से ऊपर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और करेंट इंडिया, जूनियर इंडिया और करेंट इंडिया में जो खेलते हैं लड़के, वो बच्चे यहां पार्टिसिपेट करेंगे इस आयोजन में। सिंगरौली जिले के देवसर के पास NH 39 में बड़ा हादसा हुआ है, जहां बस अनियंत्रित होकर पलट गई है और दर्जनों यात्री घायल हो गए हैं। यह घटना जियावन थाना क्षेत्र के सेमरा पुल के पास की बताई जा रही है, जहां सीधी से देवसर आ रही द्विवेदी बस सर्विस की बस पलट गई, जहां हताहत यात्रियों को देवसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों की माने तो निर्माणाधीन हाईवे 39 में हुए खतरनाक गड्ढों के कारण ये पूरा हादसा हुआ है, जहाँ आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए सिंगरौली से वंश मणि द्विवेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। वंश, वहां पर एक अनियंत्रित होकर बस पलट चुकी है, क्या कुछ मामला था, कैसे हुई ये घटना? ये बस सीधी से सिंगरौली आ रही थी, द्विवेदी ट्रेवल से बस है, ये रोड खराब होने के कारण देवसर के पास अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई है। इस बस में कितने यात्री बैठे थे, कितने घायल हुए हैं, कितनों को गंभीर चोटें आई हैं, कहां उन्हें भर्ती कराया गया है? ये बस में हम सब 35 आदमियों को चोट आई है, जिनको स्वास्थ्य केंद्र देवसर में भर्ती कराया गया है। 5 सवारी जो थे ज्यादा गंभीर थे, जिन्हें जिला अस्पताल सीधी रेफर किया गया है। जिस तरीके से बस अनियंत्रित होकर पलटी है, क्या कारण बताए जा रहे हैं इसके? ये तो रोड खराब होने का कारण है, क्योंकि आज 10 साल से NH 39 में काम लगा हुआ है, लेकिन आज तक रोड कंप्लीट नहीं हो पाई है और जगह जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं रोड में, और उसी कारण बस ये पलट गई है गड्ढे में कूदने के कारण। इससे पहले और कितनी घटनाएं हो चुकी है इस इन गड्ढों के चलते? आए दिन हर रोज कुछ न कुछ घटना होती रहती है। अभी 2-3 दिन पहले पुल से गाड़ी गिर गई, कहीं कोई गाड़ी पलट जा रही, कहीं कोई खराब हो जा रही है, तो लगातार आए दिन 1-2 घटनाएं होती रहती है। परिवहन अधिकारी से आपकी बात हुई कि आखिर वो क्यों सड़क का निर्माण नहीं करा रहे, क्यों इस तरह मतलब इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस तरीके से पलट रही है बस वगैरह? ये सड़क निर्माण का काम बताएंगे 10 साल से चल रहा है, जो बीच में कंपनी ली थी इसको, लेकिन वो कंपनी आधे में काम करके छोड़ के चली गई। इसके बाद 2 साल तक कोई कार्य नहीं हुआ, 2 साल बाद फिर से टेंडर हुआ है, लेकिन वो अभी कंपनी का निर्माण, जो कंपनी काम कर रही है, रोड का निर्माण बहुत धीमा गति से हो रहा है। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत काम लगा है, लेकिन रोड की भी मरम्मत नहीं की जा रही। मतलब आला अधिकारियों की लापरवाही के चलते अगर देखा जाए तो एक तरीके से लापरवाही है, जिसके चलते यहाँ पे कई लोगों की जान जोखिम में आ रही है। आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, अब ये तो प्रशासन की और सरकार की कमी है कि रोड नहीं बन पा रही, जिसके कारण प्रतिदिन कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है। वंश, आपकी आला अधिकारियों से कोई बात हुई है कि आखिर 2 साल से ये कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, क्यों नहीं कराया जा रहा है, क्या कुछ कमियां आ रही हैं इस पे? अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है, अधिकारियों का कहना है कि काम तो लगा है, रोड तो बन रही है, क्योंकि बीच में कंपनी भाग गई रोड छोड़ के, उसके लिए बोल रहे हैं कि तो काम किया नहीं कंपनी, इसके बाद फिर से टेंडर हुआ। अब रोड में काम लगा हुआ है, लेकिन कहाँ लगा है कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा। और गड्ढे ही गड्ढे रोड में हुए हैं, जिसके गड्ढे के कारण ही बस एक्सीडेंट हुई है। मतलब अगर
काम चल रहा है, अगर कंपनी छोड़ के चली जाती है तो सरकार की प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस पर ध्यान दिया जाए और इसे सही कराया जाए, दुरुस्त कराया जाए, जिससे कि ये जो घटनाएं हो रही है इन्हें रोका जा सके? ये कहीं ना कहीं सरकार की और जनप्रतिनिधियों की और यहाँ प्रशासन की कमी है, जिसके बदौलत उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कारण से यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है, आदमी उसका शिकार हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए वंश। नरसिंहपुर जिले के आमगांव निवासी महेश कुमार गौतम के बेटे प्रियांशु गौतम एमबीए कर हुए थे, जो रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से वहीं फंस कर रह गए थे, जिसके बाद उन्हें रोमानिया से मंगलवार की देर रात दिल्ली गंगा अभियान के तहत सकुशल दिल्ली पहुंचाया गया है। खुशी है, आ रहा है हमारा बेटा वतन, और सबसे यही कहेंगे कि बाहर के ज्ञान गंगा जो है ना बहुत सही चलाई मोदी जी ने, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत एम की बोलते हैं एम, वो कितना ही बताता था कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन यहाँ से तो भाई हवा यहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसमें अब रोमानिया से यहाँ आ रहा है। यूक्रेन से रोमानिया तक की यात्रा बाई बस उनने कर ली, उन बच्चों ने सबने मिलकर। बढ़िया, अच्छी खुशी है, आ रहा है हमारा बेटा वतन, और सबसे यही कहेंगे कि बाहर के ज्ञान गंगा जो है ना बहुत सही चलाई मोदी जी ने, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। एम की बोलते हैं एम, वो कितना ही बताता था कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन यहाँ। छत्तीसगढ़ के कोरिया में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। कोरोना काल की वजह से 2 साल बाद परीक्षार्थी ऑफलाइन मोड में एग्जाम दे रहे हैं, जिसके लिए जिले भर में 219 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 9214 परीक्षार्थी शामिल होंगे। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा 23 मार्च तक चलेगी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। एक साथ